हम आ गए एक नए ब्लॉग में। काफी अद्भुत नजारा और काफी लोग यहाँ पर जमा हैं और लोग यहाँ और ये लोग यहाँ पर काफी इंजॉय कर रहे हैं और ये वाकई एक अद्भुत नजारा है। वाकई आप देख सकते हैं इस व्यू को और यहाँ से ये झरना बहता हुआ काफी क्लियर पानी है और लोग काफी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं और बच्चे यहाँ पर काफी इंजॉय करते हुए और काफी अच्छा व्यू आप देख सकते हैं। काफी बच्चे यहाँ आ रहे हैं, देखिए लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं। काफी बढ़िया नजारा है, दूर दूर तक जहाँ तक हम देखते हैं पानी ही पानी है, हर तरफ सिर्फ पहाड़ी और पानी। काफी दूर हम निकल आए हैं और आज के ब्लॉग में काफी मजा आने वाला है, तो चलते हैं हम। ये एक यहाँ पर झरना, तो काफी अच्छा व्यू है ये और लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। वाकई लोग यहाँ आ रहे हैं, ये टूरिज्म है। ये बनास का एक छोटा सा पुल, यहाँ लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं, हर कोई काफी टूरिज्म और यहाँ से लोग अपने अपने घर को छोड़ के आए हैं और लोग यहाँ पर काफी एंजॉय करते हुए। कितना पानी है, बच्चों को देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं ये बच्चे। वाकई चड्डे आगे में लेके चड्डे, लोग काफी खुश हैं और हम यहाँ ट्रैफिक हो गया है, गाड़ियाँ काफी मुश्किल में निकलेंगी यहाँ से, तो आप देख सकते हैं काफी अद्भुत नजारा, अद्भुत नजारा है। और ये चप्पल को रोकते हुए इन भाई साहब ने एक बड़ा ही नेक काम करा है, तो ये टूरिस्ट आना रुक नहीं रहे, काफी तादाद में यहाँ टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। काफी अच्छा नजारा है यहाँ का और टूरिस्ट यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लोग काफी खुश है यहाँ और आप देख सकते हैं, देखिए कितनी भीड़ यहाँ चल रही है। और हम आपको ले चलते हैं थोड़े आगे जहाँ काफी भीड़ जमा है और लोग यहाँ काफी तादाद में पहुंच रहे हैं। काफी अच्छी बारिश होने की वजह से यहाँ लोग बहुत अच्छी तादाद में यहाँ पहुंच रहे हैं, लोगों का जमाव यहाँ बढ़ता जा रहा है और यहाँ लोग काफी बड़ी तादाद में अपने घर से निकल के यहाँ पहुँच रहे हैं, तो आप देख सकते हैं काफी ट्रैफिक और काफी अद्भुत नजारा। तो आज के लिए इस ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर कभी एक अगले नए ब्लॉग में। शाबाश है।